यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है। तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने तीन बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए नारा, अब तो शांत हो जाइए, मैं बोलूं। फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा, तो मेरे पास क्या रास्ता था वहां बैठ। अखिल भारतीय वर्ष यादव महासभा शताब्दी समारोह का आयोजन सोमवार को वीएन मंडल स्टेडियम में किया गया, लेकिन कार्यक्रम में कुछ देर के लिए उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गई जब पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान एक कार्यकर्ता लालू यादव का नाम लेकर जिंदाबाद कहकर नारेबाजी करने लगा। पूर्व सांसद ने पहले तो उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसके बाद वह लगातार नारेबाजी करता रहा। यह देख पूर्व सांसद पप्पू यादव बीच में ही माइक छोड़कर सभा से निकल गए। इसके बाद उन समर्थकों ने नारेबाजी कर उस व्यक्ति को पकड़कर स्थल से बाहर निकाला। इस बीच समर्थकों ने नारेबाजी कर रहे व्यक्ति के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। बाद में किसी प्रकार मामला या शांत हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में आगे क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव। कल मधेपुरा में यादव और मन छोड़ के चले गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सर्वे की बात कर रहे थे। मेरा था कि आज यादव 78% से ज्यादा गरीब क्यों है। हम 1.6% ही हमारे पास नौकरी रोजगार क्यों है। आजाद हिंदुस्तान के बाहर इतने यादवों ने कुर्बानी दी। वर्ल्ड दुनिया के इतिहास में यादवों का जो इतिहास है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम और सबसे पहला इतिहास। अही यादव नहीं थे उस वक्त, एक शब्द था पहले, आप इसको समझिए, गौ यार, ग्वार नहीं, ग्वार, गौ का यार। जो यादव पशुओं की रक्षा के लिए पागल था, आम आदमी की रक्षा के लिए उसकी कल्पना करिए। हम उसी संदर्भ में कृष्ण की उद्धृति किया मैंने कि आज के युग में हम यह नहीं कह सकते हैं, हम जब तक यादवों की संस्कृति, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे जाति धर्म का सम्मान करना और उसके लिए मरने का रहा है। आप कृष्ण के इतिहास को देखिए, अर्जुन का जो रिश्ता है, सुदामा का जो रिश्ता है, मीरा और द्रौपदी का जो रिश्ता है, तो इसी भाव से यादवों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बात मैंने कही कि आप हमेशा कहते हैं रोम पोप का मधेपुरा गोप, या आज के डेट में प्रासंगिक है इकोनॉमी, अर्थ कहाँ से आएगा, गरीबी खत्म कैसे होगी, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, हम एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे। ऐसी किसी एक जाति धर्म मजहब के बारे में हम नहीं कह सकते। यहाँ सबकी भूमिका है, कोई परसेंटेज में ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। मधेपुरा में यादवों की संख्या ज्यादा है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई लोगों का सम्मान करने का, दूसरे जाति की मदद करने का, पहले भी हमारे पूर्वजों ने किया है। देश में सबसे ज्यादा यादव है, लेकिन क्या यादवों को कहीं सीएम का कुर्सी है? कभी पीएम आप बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? 14-17% होने के बाद भी हिंदुस्तान में आप पीएम की कुर्सी पर नहीं जा पाए। आप बहुत कम समय के लिए दो स्टेट में सीएम बने, एक आदमी और कहीं बन गए। आप कभी सोचे हैं कि यदि हम अत्यंत पिछड़े और दलितों को, माइनोरिटीज को साथ लेके अगलों को चलेंगे तो वो आपके साथ खड़ा होगा? और ऐसे राज में जहां सबसे बड़ी संख्या हमारी है, हमें हमेशा यदि 14 के बाद आप दूसरे को नहीं दीजिए, समाज के दलितों को आप अपना भगवान नहीं बनाइए, तो आप किस रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे? दूसरी बात मैंने कही, देवेगौड़ा जी की सरकार बनी, गुजराल की सरकार बनी, मोरारजी भाई की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी, कांग्रेस के साथ भी हम लोग 10 साल रहे, सरकार बनी। इतने बड़े लेवल पर जब आप किंग मेकर कहते थे हमें, देवगौड़ा गुजराल को मैंने बनाया, मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने,
तो मैं जानना चाहूंगा कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण इतने सरकार के बाद क्यों नहीं बनी, किसी ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई, क्या हम सत्ता से चिपके रहे, क्या हमने जो हमारे जीविका से जुड़ा हुआ है, अहिर रेजिमेंट यदि बनता तो हमारे युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरी में भागीदारी मिलती, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती। आपने अहिर रेजिमेंट को क्यों निर्णय नहीं लिया, आप तो थे केंद्र में सभी लोग। तीसरी बात हमने कही कि 1.6% ही हम छोटे नौकरियों में क्यों, डीपी मंडला जी मुख्यमंत्री रहे, दरोगा राय जी मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो आप 1.6% ही 14% में मात्र इतने कम नौकरी आज तक क्यों, और वो भी फर्स्ट ग्रेड का नहीं, फर्स्ट क्लास का नहीं, सेकेंड और निचले तबके पर का है। सरकार क्या इसके लिए कौन दोषी है, एक जाधवों ने तो कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं रखी। तीसरी चीज मैंने कही कि हम 78% जाधव एक बीघा से नीचे वाले लोग हैं, और हम मुसहर और जाधव की गरीबी जो आया है सर्वे में एक जैसा है, जो मुसहर जितना गरीब है उतना ही जाधव गरीब है, ये क्यों हम जानना चाहते हैं। इस पर काम कभी क्यों नहीं किए, आप मुसहर पर काम क्यों नहीं किए, आप जाधवों की गरीबी खत्म करने पर काम क्यों नहीं किए, आपको नारा लग रहे थे उसके बाद। नहीं, मैंने कहा, मैं बात क्या कर रहा था वो तो सुनिए, एक लड़का को प्रमोट करके नारा, लालू जी के नारा, हमने तो उनको कहा कि आप अच्छी बात है आप नारा लगाओ, और मैं नारा लगाता हूँ, मुझको क्या दिक्कत है, लालू यादव का नारा तो मैं चाहता हूँ कि आप लगाओ, दिल से लगाओ। लेकिन जब मैं बोल रहा था और आप आगे आके सिंगल आदमी आकर के, आप जब मैंने उनको तीन बार चार बार कहा कि आपको समझना चाहिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप करिए, साजिश लग रहा था कोई, नहीं मैं इस सब चीजों में नहीं जाता हूं, मैं इतना जानूंगा कि वो ना समझ था। मेरे स्पीच के सामने जब सभी लोगों की सहमति थी मुझे बाहर जाना था, और एक भी सरकार से लोग सत्ता में नहीं आए, जब जाके बोले तो बोला मैं जाधव महासभा में नहीं जाऊंगा, हमारा फोटो कहीं नहीं लगाया तब भी मैं आया, मैंने तो नहीं कहा मेरा फोटो आप लगाइए, मैंने सभी लोग जाकर के लालू यादव जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्यों नहीं आए, क्यों जाधव महासभा में नहीं आए। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ, सिंगल में आया, हम सारे कामों को छोड़ के आए। लालू यादव का खून एक ही ना हो, विचारधारा अलग हो सकती है, तो विचारधारा तो भाई भाई में अलग होता है। हम तो अब जो भी कारण से वो बचपना किया, हमने तीन बार उनको कही कि आप अब हो गया ना, लगा लिए नारा, अब तो शांत हो जाइए मैं बोलूं, फिर आगे आ गया, फिर जोर से बोलने लगा। तो मेरे पास क्या रास्ता था, वहां बैठते तो झगड़े, मेरे पास तो एक ही रास्ता था वहां से चुपचाप चले जाना। अब जाने के बाद हम तो किसी को नहीं बोले आप चले जाइए, सारे मुखिया, सारे जिला परिषद, सारे गायक, सब लोग चले गए, हम तो चले गए मौत में। कहा जाता है रोमकूप का मधेपुरा गोप का, फिर अगर गोप का मधेपुरा ही है तो सभा करने का क्या जरूरत। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यादव महासभा की करने की जरूरत किसी राजनीतिक कारणों से नहीं थी, ये 32वां सभा थी जाधवों की, शताब्दी था, शताब्दी समारोह थी, और शताब्दी समारोह में उन्होंने निर्णय लिया कि मधेपुरा में हमको करना। पूरे देश में यादव महासभा, जैसे यादव छात्रावास के लिए, जैसे कल्याण छात्रावास, उस तरह कृष्ण छात्रावास, बलराम छात्रावास, यादव छात्रावास, जादवों के एजुकेशन के लिए, जादवों के बच्चों को अवेयरनेस लाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए, जादव का एजुकेशन में तरक्की, नौकरी में कैसे हो, भागीदारी के लिए, ये तो समय समय पर सभी जाति के लोग करते हैं और जादव भी करते हैं। इसमें क्षत्रिय समाज है, ब्रह्मर्षि समाज है, जो कल जादव यहाँ पर सोमा था, शताब्दी समारोह था, उसमें जाति जनगणना के साथ साथ
आरक्षण पर किसको मिला आरक्षण मंडल कमीशन के बाद, किसको नहीं मिला, इस पर भी विचार था कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ उसमें ओबीसी को, दलित एसटी एससी को कितना मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा थी। 67% जो मंडल कमीशन अभी दी गई और मिला करके 75%, तो ये हुआ कि इस पर भी चर्चा हो। और इसीलिए पप्पू यादव आए, पप्पू यादव के आने का कारण ही था 67% आरक्षण, जातीय जनगणना, और जो हालात है यादव के 1.6% भी नौकरी में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़े, इसलिए पप्पू यादव ने यादव महासभा को और मजबूत करने का प्रयास किया। और हम आए और अपने अपने विचारों को रखने आए, और साथ साथ अपनों के जीवन को कैसे शैक्षणिक और नौकरी में हम आगे बढ़ा पाए, इस पर चर्चा करने आए। तो आप बचपना कर दिए, तो मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।